दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस पर मेरे कमेंट आ रहे हैं कि वीके भाई आप माइक कौन सा यूज करते हो। देखो पहले तो मैं बोया भाई M1 माइक यूज करता था, अभी मेरे पास देखो रखा भी हुआ है कुछ इस तरीके का, ठीक है। और अभी का जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस पर भी मैंने बोया भाई M1 माइक ही लगा रखा है। बट पिछले कुछ दिनों से मैं, ताकि ये वायर का दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार कैमरा सेट करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो वायर का दिक्कत ना हो इसलिए मैंने वायरलेस माइक मंगवा रखा है। और अभी रिसेंट में मैं वायरलेस माइक से वीडियो शूट करता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार कौन सा वो मेरा माइक है जिसके थ्रू मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा इसका पूरा बॉक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का देखो मुझे बॉक्स मिला था। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था ऑनलाइन करके, और ये है भाई साहब गोडोक्स कंपनी का। तो इसको मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है, और इसकी मैं खासियत दिखाता हूँ कि यहाँ पर मुझे ये माइक क्यों पसंद लगा। और वॉइस क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो कि हर एक वीडियो पर, मेरी पुरानी वीडियो कोई भी देख लेना जहाँ पर ये माइक लगा हो, तो आप वॉइस क्वालिटी तो आप सुन ही सकते हो। इसके फीचर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो पहले तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे मिली हुई थी और कितने का मिला था, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अमेजोन से मैंने ऑनलाइन लिया था, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे कुछ छोटे छोटे कनेक्टर मिलते हैं, जैसे कि इसमें देखो ये 3.5 mm जैक है दोनों तरफ इसमें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और मिलता है जिसमें एक तरफ तो 3.5 mm जैक है और दूसरी तरफ ये टाइप सी चार्जर टाइप है। अभी मैं इनका यूज़ भी बताऊँगा, तो इनको दोनों को मैं अभी साइड में रखता हूँ। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिलती है, ये देखो ये चार्जिंग केबल मिलता है जिसको आप एक तरफ से देखो टाइप सी मिलता है और दूसरी तरफ से ये आपका चार्जर में आप इसको लगा सकते हो, चार्जर एडाप्टर में लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ सोखता टाइप का मिलता है, ये देखो ये आपका नॉइज़ कैंसलेशन के लिए मिलता है, ठीक है। इसको आप माइक के ऊपर लगा सकते हो, कैसे लगाओगे अभी मैं आगे बताता हूँ। और ये आपको दो मिलते हैं, ये देखो इस तरीके के यहाँ पर ये मुझे दो मिले हैं इस तरीके के। अब उसके अलावा यहाँ पर जो हमको माइक मिलता है ये एक और डिब्बा मिलता है गोडोक्स की तरफ से, और ये पूरा का पूरा जैसे कि आप ईयरबड्स मंगाते हो ना तो उसी तरीके का बॉक्स होता है। ऐसे करके देखो ये ओपन हो जाता है, ये देखो ओपन हो गया। और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये बैटरी भी शो करते हैं कि कितना परसेंट अभी चार्ज है। और ऐसे मैं देखो इसको निकालता हूँ तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो एक ये निकलता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर दो चीज़ें और निकलती हैं। अब देखो इनका मतलब क्या, हम आपको बताते हैं ना, अब डिब्बा यह पूरा खाली हो गया, इसको हम रख सकते हैं, चार्ज में भी लगा सकते हैं। इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पर देखोगे ये मुझे तीन चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये देखो अब इसमें से देखो ये जो ये चीज़ है इस पर आप यहाँ पर इसको कैमरे से या फिर अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। अगर इसको कैमरे से कनेक्ट करना है तो मैं इस पर सिंपल सा 3.5 mm जैक लगा दूंगा। अब ये देखो 3.5 mm इधर हो गया तो इसको मैं डायरेक्ट कैमरे पर लगा दूंगा। अब यहाँ पर देखो ये आपको दो लाइट भी ग्रीन वाली दिखाई दे रही है, तो अब ये दोनों लाइट इन दोनों के लिए होती है, ये जो दो चीज़ें मुझे मिली हैं, ठीक है। ये मतलब दो माइक है, मतलब मैं इसको एक माइक लगा सकता हूँ। अगर मुझे किसी के साथ पॉडकास्ट करना है, इंटरव्यू शूट करना है, तो हम दो लोग इसको अलग अलग लगा सकते हैं और दोनों की अलग अलग यहाँ पर वॉइस भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से दो मुझे माइक मिले हैं और एक ये इसको कनेक्ट करने वाला मिला है। इसको चाहो तो अपने फ़ोन पर भी लगा सकते हो या फिर अपने कैमरे पर लगा सकते हो। अगर ये 3.5 mm आपका फ़ोन पर सपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए यहाँ पर हमको दूसरी कनेक्टर भी मिला है, ये 3.5 mm वाला, इसको इस पर लगा देना है। और इस पर इसके बाद यहाँ पर देखो ये टाइप सी आता है, कुछ फ़ोन में टाइप सी सपोर्ट करता होगा तो टाइप सी लगा दोगे तो ये आपका फ़ोन से कनेक्ट हो गया और इसके थ्रू ही आपके दोनों माइक कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों माइक को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो और इसको दो लोग आपस में लगा सकते हो। सिंगल आपको बनाना तो एक ही लगा लो, एक अपने डिब्बे में रखे रखो, ठीक है। अब देखो इनको देखो चार्जिंग करने का सिस्टम यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा मिला, क्योंकि ये जो आपको डिब्बा मिलता है इसके नीचे तरफ आप देखोगे तो आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिसको आप यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो। और जैसे ही आपका फुल चार्ज हो जाता है तो उसके अंदर आप इसको रख दोगे तीनों के तीनों, तो ये आपके उसी के अंदर चार्ज हो जाते हैं। और इसको एक बार निकालने के बाद आप 8 घंटे तक लगातार इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये कम से कम 5 से 6 बार तो इसको चार्ज कर ही देगा डिब्बा, तो समझ लो कितना ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है अगर एक बार इस डिब्बे को चार्ज कर सकते हो। अगर आपको इस डिब्बे को चार्ज नहीं करना या आपको डिब्बों को कहीं लेकर नहीं जाना, सिर्फ आपके पास यही है, तो इन पर भी आप देखोगे, नीचे तरफ आप देखोगे तो इस पर तो देखो साइड में मिलता है और इन पर दोनों पर देखोगे नीचे तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है टाइप सी का, तो इनको आप डायरेक्ट चार्जिंग में लगा करके चार्ज कर सकते हो। तो ये आपका 8 घंटा लगातार एक बार की चार्जिंग में चल जाता है, या फिर आप इनको यूज करते रहो, डिब्बे को चार्ज कर लो और जैसे आप अपने ईयरबड्स रखते हो तो इनको ऐसे आपको यहाँ पर रख दे रहा है, जैसे आप इसको रख करके और इसका ढक्कन लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका ये चार्ज होगा, तो उनको तो ऑटोमेटिक चार्ज कर ही देता है। तो ये देखो इसकी खासियत हो गई। अब देखो इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे पहली बात तो देखो इसमें
इसमें वायर नहीं है, तो वायर नहीं है तो इसको मैं इजीली लगा देता हूँ और कहीं पर भी मैं से चल करके आ सकता हूँ। अपना ट्राइपॉड वगैरह रखना है, रिंग लाइट रखना है, तो बार बार अगर वायर होती है बोए भाई M1 में थोड़ा सा वायर होती है तो दिक्कत होती है इधर उधर बार बार चलने में, इसलिए यहाँ पर मैंने वायरलेस माइक को मंगाया हुआ है और ये गोडोक्स कंपनी का है, अमेजोन से मंगाया था। खासियत इसकी मुझे यहाँ पर एक और ये भी लगी कि इस पर मुझे देखो एक नॉइस रिडक्शन मिल जाता है। जैसे इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर देखोगे अभी तो आपके ये देखो एक तो ग्रीन बत्ती पहले से जलती रहती है, उसके बाद एक बटन होता है या आपका ऑरेंज कलर का, इसको जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपके नॉइस रिडक्शन चालू हो जाता है। नॉइस रिडक्शन चालू होने के बाद बाहर कितना भी शोर शराबा हो रहा हो बिल्कुल भी, आप चाहो तो पंखा चालू करके भी शूट कर सकते हो। अभी जब मैंने गर्मियों में शूट करा है तो मैंने पंखा चालू करके शूट करा और बिल्कुल भी मेरी वीडियो पर पंखे की नॉइस नहीं आती, या फिर बाहर कोई काम चल रहा होता, कोई गाड़ी बाहर निकलता तो उसकी नॉइस बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होती, क्योंकि इसमें नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिला हुआ है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक कमाल की बात मुझे और लगी कि यहाँ पर देखो मैं इसका वो भी बढ़ा सकता हूँ कि कितना मुझे आवाज़ तेज़ रिकॉर्ड करना है, कितना धीमी रिकॉर्ड करना है, और यहाँ पर मोनो सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है इसी पे। और भी इस पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, अगर आप इसको सर्च करके देखोगे यूट्यूब पर, इसका रिव्यू देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है इसको रिव्यू करने का, बट जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक फ़ायदा और हुआ क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दो चीज़ें मिली हैं, तो अगर किसी के साथ इंटरव्यू शूट करना, जैसे कि अभी मेरा आपने 2-3 दिन पहले का वीडियो देखा होगा इंटरव्यू वाला, तो हमने दो लोगों ने अलग अलग इसको लगा रखा था और दोनों की बढ़िया आराम से वॉइस रिकॉर्ड हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर यहाँ पर मैंने वायर वाला माइक लगा रखा होता तो एक बार तो मुझे लगाना पड़ता, जब वो बोलता तो मुझे उसको खोल के उसको देना पड़ता, या फिर उसकी आवाज़ धीमी रिकॉर्ड होती। तो इसलिए यहाँ पर ये दो चीज़ें मिलती हैं जिससे कि हम आराम से पॉडकास्ट या फिर किसी के साथ इंटरव्यू वीडियो शूट करते हैं। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो इसको भाई साहब आप कम से कम 100 से 200 मीटर पीछे तक जा सकते हो, 200 मीटर पीछे तक चले जाओगे फिर भी आपका वॉइस रिकॉर्ड होता रहेगा। बोया भाई M1 में जब मैं आउटडोर में वीडियो कभी कभी मैंने शूट करा है तो जितनी बड़ी इसकी वायर होती है वहीं तक मुझे जाना होता है, उसके अलावा मैं नहीं जा सकता। बट इस वायरलेस माइक का यही फ़ायदा है कि आप जितना आप कम से कम 200-250 मीटर तक पीछे चले जाओगे और आपका वीडियो शूट होता रहेगा, वॉइस भी आपकी क्लियर रिकॉर्ड होती रहेगी, तो इसका एक तो ये फ़ायदा हो गया। अब अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने अमेजोन से ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन का मुझे नहीं पता कितने का मिलता होगा, बट ये ऑनलाइन मुझे 9,990 रुपये का मिला है। देखो ये ज़्यादा आपको लग रहा होगा बट ये सस्ता भी मिल जाता है, अगर आप एक माइक के साथ लेते हो तो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, या फिर अगर आप थोड़ा सा और सस्ता चाहो तो थोड़ा सा आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम मिलेगी, थोड़ा सा कम फीचर मिलेंगे। सस्ते भी वायरलेस मिल जाते हैं 800-800 के, 1,000 के भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैंने महंगा लिया ताकि वॉइस क्वालिटी अच्छी रहे और फीचर्स भी थोड़ा सा अच्छे मिल जाए। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे कि वीके भाई आप कौन सा माइक यूज करते हो, तो ये देखो मैं गोडोक्स कंपनी का वायरलेस माइक यूज करता हूँ। अगर आप लोग इसको देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन पर नीचे लिंक दे दूंगा, जा करके देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। तो बस यही माइक मैं यूज करता हूँ और इसी से मैं आगे भी यूज करने वाला हूँ, और काफ़ी अच्छा मुझे इसका एक्सपीरियंस रहा। बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा, एक बार चार्ज कर लेता हूँ फिर 10-15 दिन के लिए तो फुर्सत हो जाता हूँ, क्योंकि 10 से 20 मिनट का वीडियो शूट करना होता है और एक बार की चार्जिंग में 8 घंटे का तो बैकअप मिलता है, उसके बाद वो डिब्बा तो ऑटोमेटिक चार्ज ही कर देता है 5 से 6 बार, तो काफ़ी अच्छा मुझे माइक लगा। तो बस आज की इस वीडियो में यही था, इसी माइक के बारे में मुझे बताना था, आप लोग कमेंट कर रहे थे। और देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि ये दो आपको नॉइस रिडक्शन के लिए ये भी मिलते हैं, अगर आपको नॉइस रिडक्शन नहीं चलाना, थोड़ा बहुत नॉइस आती है, तो आप इनको ये जो आपको माइक मिलते हैं इनके ऊपर आप ऐसे करके इसको दबा दोगे ना तो ये ऊपर लग जाता है, उसके बाद जैसे आप इसको अपने कॉलर पर लगाओगे, जैसे आप ऐसे लगा देते हो तो कुछ इस तरीके से लग जाता है। तो ये सुखता लगने के बाद ये होता है कि जो थोड़ा बहुत नॉइस होती है अगल बगल की वो कैप्चर नहीं करता, आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है। क्योंकि कई लोगों को होता क्या है कि जो उनकी आवाज़ होती है काफ़ी ज़्यादा पतली होती है या फिर सासा की आवाज़ ज़्यादा निकलती है, वो चीज़ अगर माइक में जाएगी तो खरखर की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है, बट अगर आप इसको लगा दोगे तो कहीं ना कहीं एकदम क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है जो कि आपको कवर ऊपर लगाने के लिए मिलता है, तो आप इसको चाहो तो लगा सकते हो। मैं तो इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरी आवाज़ उतना ज़्यादा पतली नहीं है, थोड़ा सा क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग का अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करो, और आप लोग अभी कौन सा माइक यूज करते हो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय